पूर्वीच्या काळामध्ये ना डॉक्टर वैद्य असं कोणाकडे जायची पद्धत नव्हती. There is two film shared this award in this category. First one is Ek Aasa Ki Kiran, shared by the film titled Nine. Glorious years of our existence. Guwahati University in the Department of Communication and Journalism. And I would like to request Honorable Director of Vigyan Prasar and MAC and other dignitaries are here for their guidance from Vigyan Prasar and all their assistance to start a new era of science film production in this unexplored area of Northeastern region. And on behalf of my jury, which worked very hard till 2 o'clock, and I said we called the film many times because we carried responsibility. We did not want any film that deserved to be mentioned to go unmentioned. I'd like to thank my jury, the same jury who really worked very hard from the heart and the minds and the souls. The princely 2 days later, I said, whom film nominated, can we see it again? Things like that is what makes the difference. These are real human beings who are concerned not just about themselves, but of life around, of people we connect with. And that is what we need. Love and affection and harmony. Thank you. अभी जो फिल्म महोत्सव चल रहा है और उसमें आज एक अंतिम दिन है, उसमें अवार्ड दिया है और आपकी फिल्म को अवार्ड मिला है, तो कैसा लग रहा है? और आपकी फिल्म को कौन सा फिल्म है जबकि यहाँ पे 4 कैटेगरी में फिल्म है, तो वो सब प्लीज़ बताइए. हमारी फिल्म तो कैटेगरी सी में है, फिल्म मेड बाई कॉलेज स्टूडेंट्स, और हमारे सिल्वर बीवर अवार्ड मिले हैं, सेकेंड प्राइज. एंड ये हमारी सेकेंड अवार्ड है. लास्ट ईयर कोलकाता में भी हमको एक ब्रॉन्ज बीवर अवार्ड मिले थे और बहुत खुशी हो रही है कि फिल्म फेस्टिवल में आवाज मिले. और एक बात जानना चाहूँगी, हम लोग प्लीज़ बताइए कि साइंस फिल्म आप लोगों ने क्या क्यों चुना कि साइंस फिल्म बनाना है? क्योंकि हम बेसिकली साइंस स्टूडेंट्स हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, और इस फील्ड में हम प्रोजेक्ट दिया सब कर रहे हैं, इसलिए हम हल्दी चुनी है और उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री की है, उसको ये आवाज मिला. थैंक यू. আমি আৰু যিমানবোৰ আমাৰ বতা বিজয়ী আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম. আমাৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছে অন্য এক বঁটা বিজয়ী আৰু তেওঁৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম. আপক কিস কেটেগৰী মে অৱাৰ্ড মিলা হে আৰু আপনি ফিল্ম কি বাৰে মে থোৰা সা বতাইয়ে. একচুৱালি 2 কেটেগৰী মে অৱাৰ্ড মিলা হে দোনো ফিল্মছ কো. এক হে আপকা জো সিলভাৰ বিভৰ অৱাৰ্ড হে আপ হাত মে দেখ ৰহে মেৰা, তো দিস ইজ ইন কেটেগৰী বি ফৰ ডিকোডিং সিল্ক. ইয়ে বেসিকলি সেরিকালচাৰ কে ওপৰ মে হে, ওয়েষ্ট বেংগল কা এক বহুত হি ফেমাস সিল্ক হে, মুৰ্শিদাবাদ সিল্ক. তো হাম লোগ কেসে সিল্ক বনায়া জাতা হে, সায়েন্স জো হোতা হে সিল্ক বনানে के पीछे में. सिल्क बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक गारमेंट है और पहनना बहुत पसंद करते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया. बट कैसे बनता है ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रोसेस है. सिल्क वॉर्म रेयरिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वो क्या होता है, आपका सिल्क बोर्ड का एक विजन है और सिल्क बोर्ड का विजन है कि इंडिया को वर्ल्ड स्टेज में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क बनाएं, ये उनका विजन है और ये हम लोगों को बहुत एक्साइट किया. और फिर मुर्शिदाबाद में जब सिल्क प्रोडक्शन होता है तो ग्राउंड रियलिटी क्या है सिल्क प्रोडक्शन का, कितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है ये देखना हम लोगों था. और इसके ऊपर में सेरिकल्चर का हम लोग का फिल्म था और गोइंग ग्रीन एक्चुअली ऑन स्पॉट फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन में से हम लोग ने बनाया था 2 मिनट का एक फिल्म. गुवाहाटी यूनिवर्सिटी इज एक्चुअली शोइंग अ न्यू डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट के लिए भी और देश के काफ़ी यूनिवर्सिटीज के लिए भी, क्योंकि सोलर एनर्जी पर काफ़ी फोकस हो रहा है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, तो इस एरिया को हमने फोकस पर लाने की कोशिश की अपनी फिल्म में जो 2 मिनट की ड्यूरेशन की है. सो 2 मिनट 56 सेकेंड्स सोलर पैनल्स बनाए गए हैं और
बहुत ही एक अच्छा विजन है उनका कि एक्सटेंड करना चाहते हैं, ग्रीन कैंपस चाहते हैं, तो इस एस्पेक्ट को हमने बस वो पोर्ट्रे किया, दैट्स इट। अभी हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे और एक बात जानना चाहेंगे कि ये आपका पहला पार्टिसिपेशन है विज्ञान प्रसार में या इससे पहले भी आपने पार्टिसिपेट किया था? नहीं, एक्चुअली फर्स्ट टाइम है। लास्ट ईयर सुना था ये कॉम्पिटिशन के बारे में पर पार्टिसिपेट कर नहीं पाया था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड जैसे सर ने कहा कि यू शुड डेयर टू ड्रीम और हमने एक साथ मिलके जो टीम है वो डेयर किया कि ड्रीम कर सके कि कुछ जीत पाए या फिर पार्टिसिपेट करना। इटसेल्फ आई थिंक इज़ अ वेरी बिग थिंग बिकॉज ये यहाँ पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है सबको और अपना जो स्टोरी है वो आई थिंक प्रेजेंट कर पाना इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम आपका। এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আন এক বঁটা বিজয়ী যিগৰাকী আমাৰ লগত এতিয়া উপস্থিত আছে আৰু তেখেতে ষ্টুডেণ্ট কেটেগৰীত তেখেতৰ নিজৰ চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰদৰ্শনী কৰিছিলে, প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। আহক তেখেতৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপকো তুমি কেছা লাগ ৰা ইয়ে ফিল্ম জিছ ফিল্ম অৱাৰ্ড শ্ব মে তুমি পাৰ্টিচিপেট কিয়া উছমে তুমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ মিলা হে, হ্যাঁ তো উসকে বাৰে মে কুছ বতানা। বহুত জ্যাদা আচ্ছা লাগ ৰা হে অৰ হম লোগ কি অন দ্য স্পট ফিল্ম জো জিছকো অৱাৰ্ড মিলা হে ৱো एक्चुअली बेस्ड सेल्फी पे है। सेल्फी का क्रेज जो है अभी यंगस्टर्स पे, नॉट ओनली यंगस्टर्स एवरी वन, तो फिर उसके ऊपर बेस्ड है। और ये बताएंगे एज अ प्रोड्यूसर आई ट्राइड इट टू, इट्स अ रियली अपकमिंग डिसीज, इट इज प्रूव्ड इन ऑल फॉरेन एंड ऑफकोर्स इन इंडिया, लॉट ऑफ मीन्स न्यूज एंड रिपोर्ट्स आर देयर, सर्वेज आर देयर, सेल्फी फाइटिस इज द नेम इज डिसाइड फॉर दिस डिसीज ऑल्सो। सो लॉट ऑफ डेज आई वॉज इन दैट कि कुछ तो करना है, इसके बारे में करना ही पड़ेगा। I got everything here, including the stage guest to the organizers. सब में मैंने देखा कि everybody, even myself, everybody is छोटा हो बड़ा हो वो तो थोड़ा सा influenced है, ये थोड़ा कम होना चाहिए, that was my motto. And जिस time मेरा film का last clip बना, product मेरे हाथ में आया, हम तीनों में इतना confidence हो गया कि we are going to rock. And आपके पहले interview में मैंने आपको बोला ही था कि we are going to rock this, that was the confidence. And जैसे कि आप लोगों ने हमारे पिछले इंटरव्यू में बताया था कि आप लोगों को दोनों कैटेगरी में दोनों जगह में अवार्ड मिल जाएगा और आप लोगों को मिला भी है, तो इसके लिए हम लोग आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। और फ्यूचर में अभी कुछ ऐसा साइंस फिल्म बनाने का कोई हाँ ऑब्वियसली होगा, वी गॉट लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स इन माइंड, जैसे टॉपिक आएगा हम लोग विल ट्राई टू, हमें इधर आके एक इंस्पिरेशन मिला कि हम लोग इसमें भी और कुछ वर्क कर सकते हैं, तो फिर जो नॉर्मली कोई नहीं करता साइंस बेस्ड फिल्म्स पे, तो हम लोग जरूर ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर भी वर्क करें और सबको एंटरटेनिंग लगे। और जैसे कि तुमने पहले बताया था कि तुम्हें स्कूल से परमिशन नहीं मिला था इस शो में आने के लिए, तो अभी जो ये अवार्ड लेके जाओगे तो स्कूल से कैसा रिएक्शन मिलेगा? ऑब्वियसली दे वुड बी हैप्पी और बहुत अच्छा लगेगा उन सबको, वो प्राउड फील करेंगे और माय टीचर्स, माय क्लास टीचर, एवरीवन विल फील वेरी हैप्पी, स्पेशली माय प्रिंसिपल सर, दे विल हैव टू, इट्स अ नेशनल अवार्ड वी गॉट एंड दैट वाज ऑन द स्पॉट अवार्ड, वी मेड इट इन 12 आवर्स, एक्चुअली दे हैव गिवन 2 डेज बट वी एक्चुअली मेड इट फ्रॉम द डे वी केम आउट मॉर्निंग 9 o'clock, बाय द 12 o'clock वी कंप्लीटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम रियली थैंकफुल टू लोकल people and organizers and the media partners and media job, जैसे इतना enthusiastic day one से यहाँ पे full day काम कर रहे हैं, we really really thankful to the all of them, thank you very much, thank you very much। last में बोलना चाहूँगी कि तुम कुछ message देना चाहोगे और या teachers को या हमारे audience को? सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी विज्ञान प्रसार को, माय टीचर्स राजेश अंकल, माय पेरेंट्स एंड माय प्रिंसिपल्स, माय स्कूल, माय क्लास टीचर्स एंड माय वेल विशर्स। और एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि साइंस फिल्म्स आर नॉट बोरिंग, दे आर मोर इंटरेस्टिंग। एंड एक्चुअली सबको लगता है कि साइंस फिल्म्स है तो फिर बोरिंग होगी या फिर इन्फॉर्मेटिव होगी, लेकिन मतलब मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जब स्क्रीनिंग देखी हमें भी पता चला कि साइंस फिल्म बहुत तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। आफ्टर लिसनिंग मास्टर क्लासेस हाउ टू मेक अ साइंस फिल्म्स, उसके बाद
ऑल ऑफ द पीपल मे बी जो भी आए थे वो एनलाइटन हो गए हैं और थोड़े थोड़े जो मिसकंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए मास्टर्स क्लास में और मेरा भी थोड़ा एक्सपीरियंस में कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है कि साइंस फिल्म कैसे बनाना है। तो पहले तो हमने ऐसे ही बनाए थे लेकिन अभी इनका मास्टर्स क्लास सुन के विल ट्राई टू मेक और अच्छा फिल्म मेक मोर बेटर फिल्म। शुक्रिया आप दोनों का बट आम धन्यवाद जानाइस धन्यवाद। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত বিগত 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ থকা অষ্টম ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান চলচ্চিত্ৰ সমাৰোহৰ আজি সামৰণি পৰিল আৰু যি সামৰণি অনুষ্ঠানত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল প্ৰতিযোগী চলচ্চিত্ৰ প্ৰতিযোগীসকল আছিল সেই প্ৰতিযোগীসকলে তেওঁলোকে যিসমূহ ইয়াৰ চলচ্চিত্ৰৰ ভাগসমূহ আছিল ভাগসমূহত প্ৰতিযোগিতা আগবঢ়াইছিল আৰু তেখেতসকলৰ যি বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান সেই বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানো ইয়াত সম্পন্ন হ'ল। আৰু বিগত 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই যি মহোৎসৱ আমাৰ republicany.com তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ আগত আমি দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু আজি যিহেতু অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰিলে গতিকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ আজি এই যি চলচ্চিত্ৰসমূহ সমাৰোহৰ যি প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰো আমি সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু বিগত সময়ত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আন আন অনুষ্ঠানৰ সৈতে আপোনালোকৰ সৈতে লগ পাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।